बहुत ज्यादा बेटर है। मेरे सामने है इस समय मिस्टर चाय बाइक। हाँ जी बिल्कुल, आप सही सुनाया आपने, ये बाइक ही है, बस इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। आप जैसे देख पा रहे हैं, इसका शेप देख पा रहे हैं, अभी कप का शेप है, इस कप के अंदर ही इनकी पूरी किचन है। और आगे से मैं आपको दिखाऊंगी इनका ऑपरेटिंग पॉइंट है, मूवे चाय का पूरा संसाधन। साथ ही यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब पिज़्ज़ा टाइप और भी बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलता है वो देखेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे। फ़र्स्ट टाइम है, मैंने भी किसी से देखा था, किसी ने मुझे रिकमेंड किया है। सूरत में है ये और मैं सूरत इससे में आया हुआ हूँ, तो सोचा क्यों ना, रास्ते में मुझे दिखा तो सोचा क्यों ना इसकी भी चाय की वीडियो जो है, सॉरी चाय की वीडियो बनाई जाए। और साथ ही मैं आपको थोड़ा सा इनका फूड मेन्यू भी दिखा देता हूँ और बाकी बाद में मिलेंगे अंदर। और साथ ही आप फुल भी देख सकते हैं, जूम कर लेना और चाहें तो पाउज कर देख लेना, कोई परेशानी नहीं है, आपको इजीली दिख जाएगा। क्लियरिटी पूरी है अपनी, बराबर है भाई। चलो और बाकी अंदर बात करेंगे, थोड़ा सा भी अंदर का दिखा देता हूँ और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। क्राउड आप देख सकते हैं, क्राउड रहता है, रनिंग रोड है बोथ साइड। एरियाज के बारे में मुझे नहीं पता है, कहाँ पर है पता नहीं मुझे, अभी इन्हीं से चर्चा करेंगे, इनसे पूछेंगे तो पता चलेगा। सामने हैप्पी होम्स है और यहाँ पर काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है ये पॉइंट लग रहा है। थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे ऑनर से और बाकी जानेंगे। हाँ सर, आप ही ऑनर हैं यहाँ के? आप ऑनर हैं? ऑनर कौन है यहाँ के? वो हैं यहाँ पर या गए हुए हैं कहीं पर? अच्छा, मतलब आपके और भी ब्रांचेज हैं? हमारा रेस्टोरेंट है और ये दो। तो रेस्टोरेंट भी मिस्टर चाय बाइक के नाम से? ओके, रेस्टोरेंट कहाँ पर है? ओके, और इस लोकेशन को क्या बोलते हैं? ये राहुल राज माल रोड, नियर डीएमडी पार्टी प्लॉट। राहुल राज माल रोड। ओके ओके ओके, नियर डीएमडी पार्टी प्लॉट के सामने। ओके, और बाकी गूगल पे भी आता होगा मिस्टर चाय बाइक के नाम से आता होगा? हाँ, वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी पूरी बिलिंग सिस्टम भी अच्छा है, पेटीएम कर सकते हैं। अभी चाय वगैरह बन रही है, क्या बन रहा है अंदर? चाय तो बन रहा है, चाय के साथ में फूड भी अपने पास। हाँ, फूड का जिसमें देखा है, तो फ्लेवर भी है। चाय कितनी देर बाद बनेगी अपनी? चाय तो वैसे है, 7-8 लीटर हम लोग चढ़ाते हैं तो 2-5 मिनट में 10 मिनट में खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट कब चढ़ाएंगे? नेक्स्ट कभी वो तपेले से छान के देते, तपेला लाल चाय बनाते, कोई मशीन वाला चाय नहीं। वो मैंने देखा है, वो उसे बनाते हैं। तो मतलब अब कब बनाएंगे हम लोग, कितने टाइम में बनाएंगे? बनने के बाद दूसरा चढ़ाएंगे हम लोग। लगभग कितनी देर में? 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद, चलो उसके बाद उसकी चुस्कियाँ लेंगे और देखेंगे उसको। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं, फेसबुक और इंस्टा दोनों हैं इनका। टी एंड मोर, बहुत कुछ है खाने के लिए यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। ट्राई करते हैं यहाँ पर, देखते हैं। अभी दूध बॉईल हो चुका है कुछ समय के बाद, अभी इसमें चाय पत्ती डाली जा रही है। ये देखिए चाय पत्ती, भाई जी नॉर्मल टी है कि आप कुछ मसालों के साथ तैयार की गई है? ये रेगुलर टी। रेगुलर टी है, किस कंपनी की है? क्या कंपनी? टी, ये टी? हाँ।
ओके, अगर कोई काम अगर किसी भी काम को शिद्दत से करा जाए तो बुलंदियों तक पहुंचाया जा सकता है। पहले इनका सिंपल स्टॉल था, मिल्क पेस्ट भी पड़ेगा इसमें। हाँ हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा, पानी आप बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। अब इसमें शुगर कब डालेंगे आप? 10-15 मिनट। अच्छा, 10-15 मिनट और बॉईल होगा, उसके बाद हम शुगर डालेंगे इसमें। ओके, फ्लेवर नहीं आ जाएगा, लास्ट में शुगर जाएगा और उसके बाद इसको अलग अलग टेक्सचर या अलग अलग फ्लेवर्स दे दिए जाएंगे। हाँ, है ऑल इन वन प्रोसेस, यही है सभी चाय होगा, बाद में उसको अलग अलग टेक्सचर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पहले पे ही सारा फ्लेवर। ओके ओके ओके, जी जी जी। अब ये हमारी इसमें जा रही है चीनी, देखो कि क्वांटिटी ज़्यादा है तो चीनी भी ज़्यादा ही जाएगी। चाय का देखो टेक्सचर भी आ गया है अपना, पर मलाई जैसी भी दिखने लगी है। फ्लेवर रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप आओ तो टेस्ट जरूर देना, टेस्ट करने में कुछ नहीं जाता है पर मज़ा बहुत आता है। कौन कौन सी चाय है पहले आप बता दो मुझे। ये जिंजर मसाला और ये रेगुलर है, ठीक है रख दो आप, मैं दोनों को चेक करूँगा और उसके बाद बताने की कोशिश करूँगा आपको मुझे कौन सी अच्छी लगी या मेरे लिए कौन सी ज़्यादा बेस्ट थी। इसको निकाल देते हैं, पहले रेगुलर को ट्राई करते हैं। ये रेगुलर टी है, रेगुलर टी है लेकिन रेगुलर से कहीं ज़्यादा बेटर है। रेगुलर जहाँ तक मैं समझता हूँ जिससे हमारे घरों में चाय बनती है उससे तो कहीं ज़्यादा बेटर है, इवन बहुत ज़्यादा बेटर है। जिंजर मसाला टी ट्राई करते हैं, सॉरी ये मसाला टी है, ये है रेगुलर टी, ये रेगुलर टी है तो टेस्टी है, काफ़ी टेस्टी है, इवन बहुत अच्छी है। इवन मट्टी के कुल्हड़ में चाय मिल रही है आपको, इसके साथ में एक टेक्सचर और आ जाता है हमारे साथ जो पुराना, जो हमें ट्रेडिशनली कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है हमारी चाय से, जो हमारे बुजुर्ग हमारे बड़े लोग पहले पिया करते थे। जब भी कहीं जाते थे हम लोग ट्रैवल करते थे तो अक्सर पहले डिस्पोजल्स नहीं चला करते थे, कप्स नहीं चला करते थे, कांच के कप भी नहीं चला करते थे, उस समय ये मट्टी के माटी से बने हुए कभी चला करते थे, तो कहीं ना कहीं उसका भी फ्लेवर आपको मिलता है। साथ ही चाय के अंदर भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं जो आपको बहुत अच्छे आप फ्लेवर देते हैं। रेगुलर टी है ये, और मसाला टी तो रियल में बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था कि घर में बनने वाली चाय से कहीं ज़्यादा बेटर है, तो घर में हम रेगुलर चाय ही बनाते हैं। ये रेगुलर टी है और रेगुलर टी का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा अगर आप सूरत आते हैं तो मिस्टर चाय बाइक गूगल जरूर करना और एक बार चाय जरूर ट्राई करना, जाएगा कुछ नहीं पर आपको एक अच्छा टेस्ट मिलेगा, रियल में एक अच्छा टेस्ट मिलेगा। मुझे चीज़ें अक्सर जल्दी से पसंद नहीं आती हैं, अधिकांश लोग जानते हैं इस बात को, तो अगर आप यहाँ आएंगे तो रियल में बता रहा हूँ मैं आपको, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ का। थैंक यू। उत्तराखंड, उत्तराखंड से, देहरादून सिटी से। तो उत्तराखंड सारा कवर कर लिया आपने? वो तो मतलब बिल्कुल जगह है। हाँ बहुत अच्छा है। अब उत्तराखंड ने कई बार शूट किया है, उत्तराखंड में क्या है ना सब मुझे नॉर्मल लगता है, जैसे अच्छा। अब मेरा घर है एक तरह से, मैं पहलावाड़ा ही वहाँ पर हूँ, पर मैंने सोचा था कि अब जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ आकर ही मैंने प्लान बनाया कि सडनली कि मैं अपने चैनल पर ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ। एक कम्युनिटी है मेरे पास, जब कम्युनिटी है तो लोगों ने कई बार मुझे कमेंट्स भी किए हैं कि सर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करो। काफ़ी टाइम मैंने पहले भी सोचा था, फिर कोरोना आ गया, कोविड की वजह से फिर हो ही तो नहीं पाया। कितना टाइम हुआ आपको ब्लॉगिंग में? ब्लॉगिंग का इवन मैं क्या, आप अगर आप बोलो तो फर्स्ट वीडियो मान सकते हो आप। फर्स्ट वीडियो है आपका? हाँ। क्या बात है? पर ये है कि कम्युनिटी है मेरे पास। हाँ। मेरे पास लगभग 11.5 लाख फॉलोअर्स हैं। हाँ, मैंने देखा भी। और सभी लोग
सच बताओ हम लोग भी ना मिराज वीक ऑफ था मैं इंडिगो एयरलाइंस में काम करता हूँ मैंने भी रिसेंटली ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो हम लोग आए थे यहाँ पे बाइक से गए थे तो मैंने आपको देखा मैंने बोला कि ऑलरेडी एक हमारे ब्लॉगर ऑलरेडी यहाँ पे हैं सो बेटर कि उनको डिस्टर्ब ना करें और उनको करने दें ब्लॉगिंग सारी थॉट ऑफ की आपसे बात करूँ आप यूट्यूब के लिए करते हैं या मतलब और कोई प्लेटफॉर्म और भी है आपका नहीं 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 जस्ट अपना थोड़ा बहुत शौक है ब्लॉगिंग करने का पहली बार आपने ऐसा टेस्ट किया क्या जिंजर मसाला वाला एक्चुअली चाय तो बहुत तरह की भी है इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ये कप की शेप में भी है हाँ कप की शेप में भी है चाय बनाने का इनका फॉर्मेट भी अच्छा है तो उस तरह से लोगों को ना कुछ यूनिक पसंद आता है लेमन ग्रास डालते हैं हाँ बता रहे थे हाँ जी होटल में कहीं पे रह रहे हो आपने हाँ अभी हाँ तभी देहरादून से हूँ मैं देहरादून से आप यहाँ पे ब्लॉगिंग ले रहे हैं मैं एक्चुअली यहाँ पे घूमने आया हुआ था मैंने सोचा यहीं से ही अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ थैंक यू सब कुछ ऐड होता चला जाएगा इसी में इवन मैं अब मंडे को जा रहा हूँ इवन मुझे यहाँ का वातावरण वगैरह थोड़ा सा सूट नहीं आया क्योंकि हमारे वहाँ ठंडा ज़्यादा होता है यहाँ बहुत गर्म है अभी आप देख रहे हो मुझे पसीने आ रहे हैं अच्छा सेम प्रॉब्लम यहाँ आकर मैं बीमार हो गया 4 दिन बीमार रहा हूँ मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट रहा था तो अब आज ही मैंने थोड़ा सा अच्छा फील किया तो घूम घाम करते रहे अभी हम लोग आ रहे हैं पर गुजरात लगा मुझे बहुत अच्छा इवन सूरत ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो ये आपका पहला दिन है इवन हाँ बाहर होटल के बाहर पहला दिन है चलो थैंक यू वेलकम ओके जी